हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक बहुत ही जबरदस्त बात हुई है मेरे साथ में, आपके साथ भी अक्सर हुई होगी, पर मुझे लगा कि इस बात को आपके सामने लेके आना चाहिए। आज बैंक निफ्टी के एक ऑपरेटर का मुझे कॉल आया और बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है इस बातचीत को अगर मैं आपके सामने ना रखूं तो ज्यादती होगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिंदगी के पड़ाव पे कहीं ना कहीं आप भी ऐसी ऑपरेटर कॉल्स का सामना करते होंगे, ऐसे लोगों से बातचीत करते होंगे, और उनको टैकल कैसे करना है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे सुनिएगा। इसमें ऑडियो क्लिपिंग्स मैंने डाली है जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, बहुत ही खास बातचीत है दोस्तों। फॉर्चुनेटली पहली बार मैं एक ऐसी बातचीत सामने रख रहा हूँ जिसमें कोई गाली गलौज नहीं थी, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं था। फॉर्चुनेटली थैंकफुली भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि कोई बात उस चरम सीमा तक नहीं पहुँची जहाँ तक गाली गलौज हो जाती। ठीक है, ऐसा हो जाता है अक्सर, आपके साथ हुआ ही होगा। मैं बड़ा संयम रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरी एक इंसान से बात होती है जो मुझे बैंक निफ्टी के ऑपरेटर बन के कॉल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी उसकी बातचीत है। उस बातचीत को समझिएगा, ऐसी कॉल्स लोगों को आती रहती हैं, ठीक है, बट सही मकसद जो है इस वीडियो के पीछे ये है कि उस वीडियो उन ऑपरेटर्स को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, उनकी बातचीत कैसे की जाए उनसे, जैसे मैंने की है आप भी करके देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप ऐसी किसी ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कैसे आप लोगों का डेटा इन लोगों तक पहुँच जाता है, कैसे ये लोग आप लोग को अप्रोच कर लेते हैं, इन लोगों को कैसे पता लगता है कि किस आदमी का अकाउंट स्टॉक मार्केट में खुल चुका है। बट ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हिलेरियस है, मजा भी आएगा, सुन के देखिए, समझ के देखिए। चलिए, स्क्रीन पे अब आपको वो आवाज सुनाई देंगी जो मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई है, चलिए सुनते हैं। सर, मैं सचिन चौधरी बोल रहा हूँ, टेक्निकल डिवीजन से। टेक्निकल डिवीजन कहाँ से, किसके टेक्निकल डिवीजन? ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट बारे में बात करनी थी। अच्छा, तो बात कर सकते हैं? बताओ सर, आप फ्री हो तो बात करनी है। ठीक है, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल डिवीजन से, और गुजरात से बोल रहा हूँ। ठीक है, पालनपुर। और आपको डायरेक्ट मेरे साथ काम ही नहीं करना है, ठीक है? आपको आपको लगता है कि बंदे मार्केट में प्रॉफिट और पैसा, तो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको बेनिफिट लगता है, तो आगे जाके मेरे साथ काम करो। ठीक है, पहले काम देखो, आपको अच्छा लगे तो ये करना है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं करा, लेकिन काम देखो आप भाई। पहले तो आप देखो, आपने आज पहली बार फोन किया है ना? हाँ, पहली बार किया, जानता नहीं मैं आपको, है ना? हाँ, नहीं जानते। तो पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, आप कौन हो, बाजार में कब से काम कर रहे हो, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपकी एज क्या है, कितना पैसा आपने लगाया है, आपने कितना बनाया है, तो बताओ। मैं कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं करा, मैं भी कर लेता हूँ ना। कितना कर लेते हो क्या जी? कितना कर लेते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेता, क्या टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि मेरे को मेरे बस एक ही है टेक में, जिसको बोलते टिप्स वही प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको टाइम नहीं मिलता तो मुझे कैसे काम कराओगे यार? आपको टाइम ही नहीं होता तो सर, मेरा तो जॉब ही यही है कि मेरे को जो जो कॉल देते ना वही प्रोवाइड करना। ठीक है, पर लेकिन आपको नहीं बोल रहा, आप काम करो। ठीक है, बाजार में दोस्त क्या जी? इस बाजार में कब से हो दोस्त? बाजार में कुछ ज्यादा नहीं सर, मैं एक एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं एक एम्प्लॉय पूरी मैं निवेशक हूँ दोस्त, मेरा बाजार में 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे को आपसे बात करने से पहले आपके बारे में जानना पड़ेगा ना दोस्त, ऐसा थोड़ी ना किसी भी फालतू में बात करने वाला हूँ। मैं आपकी बात समझ गया, आप कोई बात नहीं। ठीक है, आप मेरी जो भी बात है मैं आपको बोल देता हूँ, लेकिन पहले मेरा काम तो देखो, उसके बाद आप मेरे को बोलो। ठीक है, काम से पहले इंटरव्यू होता है भाई। सुनो, मैं आपका सर्विस लेना चाहता हूँ, पर मेरे को पता तो होना चाहिए किसकी सर्विस ले रहा हूँ, कितना एक्सपीरियंस आपको भाई, ये तो बताओ। सर मैं देखो, 11 वर्ष अभी काम स्टार्ट है। ठीक है, 11 महीने लगे? हाँ, वर्ष। अरे मैं 20 साल से कर रहा हूँ दोस्त, आप क्या सर्विस दोगे मेरे को यार? अरे सर, मैं कमा के देता ना, उसके बाद तो आपको कष्ट आएगा ना। पहले मैं कमा के खुद ही कमा लो ना, नौकरी क्यों कर रहे हो दोस्त, खुद ही कमा लो, नौकरी क्यों कर रहे हो यार? अरे सर, काम मत करो। ठीक है, मेरे साथ काम तो देखोगे ना, क्यों देखने का यार? एक भी पैसा आपके जिब्बे से मेरे को नहीं लेना थे, एक भी पैसा, जस्ट खाली काम देखो मेरा। ठीक है, आपको लगता है अभी कोई कॉल चल रही है आपकी? क्या जी? अभी कोई कॉल चल रही है आपकी? अभी कॉल, मेरी बात सुनो, कल मंडे है। ठीक है, मेरी कंपनी तरफ से आपको, आप मेरे को बोलो आपको कितने दिन से एक वीक काम देखना है, पूरा एक मंथ देखना है। ठीक है, पहले जो मेरा कंपनी का काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको लगे अच्छा कि नहीं, बंदे का काम राइट है। ठीक है, खाली एक सवाल पूछूंगा, एक साल का जवाब ठीक से दिया तो आपका ट्रायल ले लूंगा। ठीक है, बोलो, आप ऑप्शंस में काम कराओगे किसमें कराओगे? आप जो आपको जिसमें भी काम करना है ऑप्शन में कराओगे? हाँ, ऑप्शन भी कराऊंगा ना। तो मैंने मेरा एक सौदा खड़ा है यार। कौन सा है? मैंने 15,700 की कॉल खरीद के रखी है 300 रुपए की।
अच्छा ठीक है, हाँ पूरा सुनो भाई, मैंने 15,700 की कॉल लेके रखी है 300 रुपया में। अच्छा मुझे फायदा कब होना शुरू होगा ये बताओ। फायदा तो पहले को मेरे को बोलो कौन सी रेट से किया है, और कल पहले मार्केट जो मैं लिखूंगा ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ठीक है। मेरे कॉस्टिंग कब निकलेगा भाई ये बताओ ना। हाँ तो पर वो तो सर पहले मार्केट तो देखना पड़ेगा, मार्केट देखूंगा। क्या बात कर रहे हैं यार, फालतू की बातें कर रहे हो, मैं गणित पूछ रहा हूँ, गणित बताओ ना। 15,700 की कॉल 300 रुपया मिली, मेरा खर्चा कब निकलेगा, मेरा जीवन कब आएगा बता दो। हाँ तो मैं बता दूंगा पूरी मार्केट। अभी बताओ, अभी बताओ, ये तो गणित का सवाल है, उंगलियों पे करते हैं तो अभी बताओ। कौन सी रेट से किया आपने बताया ना, अभी बताओ। 15,700 की कॉल 300 रुपये मिली, कितने में ब्रेक इवन आएगा? वन मिनट में देख लेता हूँ। क्या देख लेते हो, ब्रेक इवन क्या होता है ये मालूम है? क्या जी ब्रेक इवन क्या होता है दोस्त, मालूम है आपको? सर पहले काम तो देखो उसके बाद जो भी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ बताओ, ब्रेक इवन मालूम है आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई, मैं करना चाहता हूँ, पता तो कि किससे कर रहा हूँ, नॉलेज है भी कि नहीं है? हाँ नॉलेज पर मैं बोल रहा हूँ ना, पहले मेरा काम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में जिसमें भी काम करना है। तुम टेक्निकल आदमी हो, तुम टेक्निकल आदमी हो, मैंने 15,700 की कॉल खरीदी 300 रुपये में, बताओ भाई ब्रेक इवन कब आएगा? तो काम करो ठीक है, आपको जो भी मार्केट लेने हैं, जो जो मेरा सीनियर जो मेरा कंपनी का बॉस है उसके साथ बात कर लो ठीक है। अरे बॉस से बात करो तो इससे मजे, तो तुम तो टेक्निकल नहीं हो, इसका मतलब टेक्निकल होते तो एक सेकंड में जवाब देते मेरा। तुम टेक्निकल है, आप मेरे जो मेरे सीनियर से बात करो, जो भी रिक्वेस्ट होगी ना वो आपको कराना, सीनियर को बोलना फोन करने के लिए ठीक है। हाँ तो क्या नाम है आपका बोलो, जो मेरा सीनियर का कॉल है निकुंज पटेल नाम है उसका। किसका? निकुंज पटेल। हाँ निकुंज पटेल, बोलो विपुल भाई से बात करनी, बोलो। हाँ तो और आपका नाम क्या है बोलो? विपुल भाई, विपुल भाई, विपुल भाई, विपुल भाई। हाँ विपुल भाई कहाँ से बोल रहे हो आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ भाई। दिल्ली से बोल रहे हो ठीक है, तो मेरा सीनियर का कॉल आएगा आपके पास ठीक है, निकुंज पटेल नाम है उसका। करो ने क्या जी? हाँ बात कराओ ने भाई। हाँ तो मैं आपको बात करवाता हूँ ठीक है, आप बात कर लेना ठीक है। अच्छा 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 भाई, अच्छा भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, हाँ जी विपुल भाई। हाँ विपुल भाई बोल रहा हूँ। अभी बात हुई ना, सचिन चौधरी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सचिन चौधरी, अभी बात हुई थी ना। हाँ हाँ बोले ना। हाँ तो हाँ विपुल भाई, मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने मेरे सीनियर को बोल दिया ठीक है, आपका नंबर मैसेज कर दिया है ठीक है, आपके ऊपर कॉल आएगा ठीक है ना। ठीक है चलेगा भाई। निकुंज भाई, हाँ निकुंज भाई नाम है, निकुंज पटेल। चलेगा दोस्त, कभी कौन करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे? अभी करेंगे आपको ठीक है, अभी फ्री हो गए होते हैं ना, उसके बाद आपको करते हैं ठीक है, 9 बजे। हाँ दोस्त करना, ठीक है, जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो, विपुल भाई बोल रहे हो दादा? बोल रहा हूँ जी, वो सचिन भाई चौधरी का सीनियर बोल रहा हूँ दादा, निकुंज भाई पटेल नाम है मेरा। जी भाई रात भर काम करते हो क्या? नहीं नहीं, अभी उन्होंने आपका नंबर दिया था, उसलिए आपको जस्ट बात करने को बोल रहे थे। बोलो ना भाई। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बताया था कि अपना कुछ ऑप्शन वगैरह में काम रहता है दादा, बरोबर? वैसे मैं गुजरात मेहसाणा का नाम सुना। हाँ मैं मेहसाणा से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा सर क्या है कि कोई एडवाइजर कंपनी नहीं है, बरोबर? अपना खुद का प्राइवेट रिसर्च सेंटर है, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी टेक्निकल वगैरह बैठा है ना, वो ऑप्शन वाले अलग है, इक्विटी मार्केट जो कैश होता है उसके अलग है, बरोबर? कॉमोडिटी के अलग है, बरोबर? जो भी न्यूज वगैरह दादा अपने को प्रोवाइड करते है ना, समझो 95% एक्यूरेट न्यूज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कैसे होता है? कहाँ से बोल रहे हो दादा? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हो जी, तो काम अपना ऑप्शन में ही रहता है ना दादा? हाँ ऑप्शन से रहता है। ओके तो दादा एक काम करना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, निकुंज भाई पटेल करके मेरा नंबर नोट रखना आप, बरोबर? कल उससे पहले निकुंज भाई, उससे पहले मेरा सवाल मैंने उसको जो किया था ना, वही सवाल आपको भी है मेरे को, मैं आपको जानता नहीं, आपके साथ काम करने से पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि आपका नॉलेज क्या है। मेरा नॉलेज ही बताऊँ, मैं पिछले मैक्सिमम 14-15 साल से दादा मार्केट में बैठ रहा हूँ। मेरा सवाल, मैंने उसको सवाल किया था, मेरा 15,700 का कॉल खड़ा है 300 रुपये में, एक सेकंड, मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, मैंने उससे ये पूछा था, वो बता नहीं पाया। एक सेकंड बता दो, मैं बता देता हूँ निफ्टी का है ना। हाँ निफ्टी, एक सेकंड वन सेकंड, अभी ऑफिस में बैठा हूँ दादा, समझो कितने लॉट है दादा? वैसे लॉट छोड़ो आप, ये बताओ 15,700 का कॉल खड़ा है मेरा 300 रुपये में, मेरा ब्रेक इवन कब आएगा? फिलहाल 94 चल रहा है, समझो 8 जुलाई वाला है। भाई मेरा सवाल आप सुने ही नहीं ना आप। दादा मैं क्या बोल रहा हूँ समझो मेरी बात को, आप मेरी बात को समझो निकुंज भाई, मेरा सवाल, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, मैं
आपका इतना बड़ा पोजीशन, आपका इतना बड़ा पोजीशन बनाऊंगा आपके कहने से, तो मालूम तो होना चाहिए ना सामने वाला कौन है, उसका नॉलेज कितना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो मेरी बात, पैसे का मामला है भाई, कोई नहीं समझने का, पैसे का मामला है। तुम गुजराती आदमी समझते हो ना पैसे को भाई। बिल्कुल भाई मैं समझदार ही हूँ, बट जस्ट मुझे बोलने दो, 2 मिनट बोलो तो। गुजराती आदमी से बढ़िया धंधा कौन जानता है यार, एकदम मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ ना। बिल्कुल भाई समझो, आपका 15,700 का निफ्टी का कॉल खड़ा है राइट, 300 जुलाई वाला, 300 जुलाई वाला कोई भी खड़ा हो, 300 रुपया में खड़ा है, क्या भाव कर रहा है, क्या ब्रेक इवन कब आएगा मेरा? ब्रेकिंग क्या है कि निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर कवर तो देगा बरोबर, मंडे ट्यूजडे बरोबर, फिर बुधवार गुरुवार शुक्रवार थोड़ा जॉबिंग रहेगा, मैं इसके डाउन में रहेगा समझो बरोबर, मेरे टेक्निकल हिसाब से ऐसा न्यूज वगैरह है बरोबर, ये बोल रहा हूँ। बाकी मंडे ट्यूजडे 2 दिन मार्केट ऊपर चढ़ाएगा, मेरा ब्रेक इवन कब आएगा भाई? अब मैं जस्ट आप मेरे को बताओ दादा कि समझो 8 जुलाई वाला आपका कॉल है कि कौन सा है, कौन सी एक्सपायरी के बता सकते हो आप? जुलाई एंड गए, जुलाई एंड गए, क्योंकि जुलाई वाला जो है वो 94.10 पैसे पे क्लोजिंग दिया है। मेरा ब्रेक इवन कब आएगा भाई, मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, मीन्स की आपका रेट कब आएगा, ब्रेक इवन कब आएगा, ब्रेक इवन मीन्स दादा आपको मालूम होना चाहिए 14 साल से बाजार में, ब्रेक इवन का क्या मतलब रहता है? नहीं मालूम मेरे को, जस्ट मेरे को जो आइडिया वो समझा रहा हूँ दादा समझो। नहीं जमेगा दोस्त, नहीं जमेगा, आप नहीं करा पाओगे मेरे को काम। अरे दादा कर पाऊंगा समझो। अरे नहीं करा पाओगे, आपको भाषा ही समझ में नहीं आ रही, क्या काम कराओगे यार मेरा, आपका भाषा ही मैच नहीं कर रहा है, सोचो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ दादा समझो, अपने को करना क्या है, मॉर्निंग में एक काम करो, आप इंडेक्स ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन करते हो ना समझो, कल मॉर्निंग में क्या करना, ओनली फॉर एक लॉट से काम करना, कितना? नहीं, ये मैं नहीं करता एक लॉट में, मेरा 10,000 लॉट से कम में काम नहीं होता, नहीं होता मेरा उससे कम में। कोई दिक्कत नहीं दादा, बट ट्राई करो आप समझो, ट्राई करो यार, नहीं करना नहीं करना, मैं ऐसे आदमी से ट्रायल क्यों लूं दोस्त जिसको ब्रेक इवन ही नहीं मालूम है, सोच के देखो ना, पैसा लगा रहा हूँ आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, जबरदस्ती में क्यों नुकसान उठाऊंगा आपके कहने से, बताइए। नुकसान की बात नहीं है समझो, और मैं भी चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मेरे को 50 पैसा भी देना नहीं दादा समझो, अपना कोई एडवाइजरी कंपनी जैसा नहीं है। एडवाइस तो दे रहे हो भाई, एडवाइस तो दे रहे हो फोन करके, आप क्या दे रहे हो? बात सही आपकी 100% समझो, बट एडवाइजर विभाग अलग होता है समझो, एडवाइजर अपने को कोई बात अलग नहीं, कोई बात अलग नहीं होता भाई, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है ही नहीं आपको, ना आपको ना आपके लड़के को, दोनों को नॉलेज नहीं है, कैसे काम कराओगे भाई? मीन्स के आपको 300 का रेट लाना, ये पूछ रहे हो आप मेरे को? अरे मेरा 15,700 का कॉल खड़ा 300 रुपए में, मेरा ब्रेक इवन कब आएगा ये बोलो? मीन्स के आपका 300 का रेट कब आएगा पूछ रहे हो ना मेरे को आप? नहीं, मेरा सवाल का जवाब दे बिल्कुल दो, 15,700 का कॉल खड़ा है 300 रुपए में, ब्रेक इवन कब आएगा? आप ब्रेक इवन में समझाओ तो सही है ना मेरे को। क्यों समझाऊं मैं यार, 14 साल के बाजार में हूँ, क्यों समझाऊं? अरे मेरे को आइडिया नहीं तो कैसे समझा सकता हूं? नहीं तो मैं ऐसे आदमी के साथ क्यों क्या इतना करोड़ों रुपए का काम करूंगा जिसको समझ ही नहीं है भाई। हाँ तो दादा आपको करोड़ों का काम फिलहाल नहीं करना समझो। नहीं मेरे को नहीं, मैं छोटा काम नहीं करता, छोटा काम नहीं करता। बिल्कुल भाई, हाँ तो बड़ा काम करो चलो कल बरोबर, पैसा नहीं मिलता नहीं करता, ना नहीं करता। मैं ऐसा आदमी के साथ काम नहीं करता दादा, जो जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके साथ नहीं काम करता मैं, सॉरी। हाँ तो आप बोलते वैसा, चलो नो प्रॉब्लम, ऐसा काम नहीं करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, चलो आपका मेरा जमेगा नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। हेलो दादा, आपका कहना ऐसा है बरोबर समझो, कौन बात कर रहे हैं? निकुंज भाई बोलो। हाँ बोलो निकुंज भाई। समझो आपका कहना ऐसा है कि स्टॉक कितना डाउन आएगा कितना ऊपर जाएगा, नहीं राइट? नहीं, मैंने पूछा 15,700 की कॉल खरीदी 300 रुपये में, तो ब्रेक इवन कब आएगा? ब्रेक इवन मीन्स सर आपका कहना ऐसा है कि कितना अप जाएगा कितना नीचे जाएगा? नहीं भाई, तो आप बताओ दादा समझो, आप बताओ दादा। अरे यार सुनो, मैं पैसा लगा के बैठा हूँ, पैसा लगाने वाला आदमी हूँ मैं, आपको क्यों सिखाऊं बैठ के कि मैं क्या पूछ रहा हूँ यार? आपने आगे से फोन किया मुझे कि आप काम कराओगे, मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, आपको नॉलेज ही नहीं है, समझो मेरी बात को। तो मैं आपको ज्ञान क्यों बांटूं भाई, ये बताओ मुझे दोस्त। दादा ज्ञान है ना दादा, थोड़ा बहुत बात नहीं, नया नहीं है दोस्त, अभी आपने बोला 14 साल का एक्सपीरियंस आपको, तो नया किधर से हुए आप? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपका सही में 300 के रेट का पोजीशन खड़ा है निफ्टी का? हाँ, खड़ा है ना, मैंने पूछा आपसे बरोबर समझो, तो आपको वो पोजीशन निकालना है, बोलो प्रॉफिट में निकालना है। अरे यार हा? भाई कैसी बातें करते हैं यार, ना ना समझो मेरी बात, 300 का पोजीशन नहीं है मेरा सवाल, आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ भाई मैं। दादा मैं क्या बोलो समझो मेरी बात को, आपको जो पोजीशन है ना मार्केट में बना है वो प्रॉफिट में निकालना है बोलो। अरे मेरा पोजीशन प्रॉफिट में ही है भाई, आप उसको नहीं करा पाओगे, आपको ये नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कराओगे भाई, कैसे कराओगे? प्रॉफिट में नहीं हो सकता सर, इम्पॉसिबल, आपका जो पोजीशन प्रॉफिट में कैसे हो सकता कैसे? आप ब्रेक इवन बताओ, ब्रेक इवन कब रहेगा?
मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, आपका 700 का कॉल है, बाय में बैठे आप राइट। मैं ये सवाल आपसे पूछने के लिए किया है, मेरा कोई पोजीशन वोजीशन नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ। सवाल ही नहीं है दादा, आपका सवाल ही नहीं है। अरे भाई मुझे फोन मत करो भाई यार, नहीं हो, नहीं जमेगा दोस्त, नहीं जमेगा। सोचो किसी को, कोई और आदमी को पटाने की कोशिश करो, मेरा नहीं जमेगा दोस्त, नहीं जमेगा। मेरी बात सुनो, नहीं जमेगा दोस्त, मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्त, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। नहीं भाई नहीं हो पाएगा दोस्त। सुनो दादा, क्या सुनाऊं यार, आपको नॉलेज ही नहीं है तो क्या बताओगे, बताओ मुझे। आप काम करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बटरफ्लाई क्या होती है, बटरफ्लाई क्या होती है बताओ। बटरफ्लाई में इसके पतंगे है दादा, आपको मालूम है। अरे घंटा पतंगे, मैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन से पतंगे की बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो तुम यार बैठ के। कॉन्डोर क्या होता है, कॉन्डोर क्या होता है भाई, समझो मेरी बात को दादा। कॉन्डोर क्या होता है, कॉन्डोर क्या होता है, मैं आपको मॉर्निंग में सब कुछ समझा दूंगा। क्यों बता दूंगा, सुबह सुबह क्यों समझूंगा मैं आपकी बात यार, मेरे पास इतना ही टाइम आपसे बात करने के लिए। आप ऑप्शन वगैरह में दादा काम करते हो, अरे मैं जो मर्जी करता हूँ आप नहीं करा पाओगे, आप नहीं करा ना दादा, तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। आप नहीं करा पाओगे भाई, आप नहीं करा पाओगे, मत करना प्लीज, मैं आपकी पटाई में आने वाला आदमी नहीं हूँ भाई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, आप नहीं करा पाओगे, आपके बस की नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलो थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, कौन? हाँ जी जतिन बात कर रहा हूँ गुजरात से, कैसे हो? बड़े जतन, निकुंज की टीम से हो क्या? क्या सर? निकुंज भाई की टीम से हो क्या? निकुंज भाई की टीम से नहीं हूँ बॉस, कोई और है, बताओ। और है, आप कहाँ से हो? आपको क्या करना है भाई, कॉल देता हूँ आज काम हो पाएगा कैसे ऑप्शन के अंदर? नहीं, मेरे को किसी कॉल पे काम नहीं करता मैं। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों मुझे इनकी टीम से पहले एक जूनियर ने फ़ोन किया था, फिर उनके सीनियर ने फ़ोन किया, जब वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वो अपने सीनियर को सामने लेके आए, और कमाल की बात है जो सीनियर पहले 14 साल का एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे, उनको बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको मालूम ही नहीं है बाज़ार में कैसे काम करना। और ऐसे ही जाल में आप लोग फंसते हैं, आप लोगों को लगता है कि बाज़ार में आप आए हैं पैसा कुछ कमा लेंगे, तो शायद कोई ऑपरेटर या कोई तो टिप एडवाइज़र आपको फ़ोन करे या कोई तो आपको बताए कि क्या होने वाला है। दोस्तों जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर हम भी आपको कोई एनालिसिस करके दे रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करके दे रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है पहले आप भी उसको एनालिसिस कर ले, अपने दम पे देख ले कि हमने सही कहा है कि गलत कहा है, उसके बाद ले। टिप लेने में कोई हर्ज नहीं है, किसी के एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट उस एडवाइस को, उस टिप को ब्लाइंडली फॉलो करने में बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अगर आप अपने चार्ट्स को नहीं देख सकते हैं, डेटा पॉइंट्स को रीड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो नुकसान होना पक्का है, गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका करियर लंबा चले, तो आपको कोई भी टिप को, कोई भी एडवाइस को, कोई भी हिंट को एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप एनालिसिस कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ऐसी एनालिसिस करने के लिए आप डेली मुझसे लाइव सेशन में मिल सकते हैं, रात को 9:06 पे, संडे स्पेशल होता है दोपहर को 2:30 पे। काफ़ी टाइम, 2-3 महीने का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद वापस हूँ दोस्तों, मिलेंगे, अपने दोस्तों को बताइए और आइए देखिए कि कैसे बाज़ार को सीखा जा सकता है, कैसे हम बाज़ार के लेवल्स निकाल सकते हैं, कौन से लेवल हैं जहाँ पे काम करना चाहिए, फिर अपनी एनालिसिस कीजिए, मज़े कीजिए। वीडियो में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये देखिए, मैंने उस ऑपरेटर को जब मैंने उनके व्हाट्सएप के ऊपर में मैंने मैसेज किया कि भाई देखो क्या से क्या हो गया, आप रिप्लाई तो दीजिए, तो देखिए उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और कोई भी रिप्लाई वो देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के जाल से बचने की कोशिश कीजिए, ये एक साजिश है, ये एक ट्रैप है। सो बी अवेयर, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड और अच्छा ट्रेड कीजिए। टेक केयर।